राम राम किसान साथियों। तो किसान साथियों, जिन्होंने भी अभी 6 महीने या साल पहले अनार के बगीचे लगाए हैं और अनार के प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। क्योंकि पिछले 2 साल में जो है अनार के काफ़ी सारे बगीचे जो है किसान साथियों लगाए गए हैं, और अनार के पौधों में स्टार्टिंग में जो मुख्य समस्या आती है वो यही आती है कि अनार का प्लांट जो है एक तो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा उसकी ग्रोथ है, बढ़वार है, वो कम है हो पाती है, जिसके कारण जो है अनार के फल हैं उसको लेने में जो है किसान साथियों काफ़ी देरी हो जाती है। अगर अनार का प्लांट सही समय पे तैयार नहीं होगा तो उससे अपने फल भी हैं वो समय से बाद में ले पाएंगे, क्योंकि अगर छोटे प्लांट से अपने फल ले लेते हैं अनार के तो उसकी जो बढ़वार है वो वही रुक जाती है। तो किसान साथियों, अगर आपके अनार के पौधे साल से 2 साल या 6 महीने के हैं, अगर वो पीले पड़ रहे हैं, उसके लिए किसान साथियों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कल, और वो अभी YouTube पे है, उसको आप जाके देख सकते हैं, और उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देखिए। और जो किसान साथी इस चैनल पे पहले भी आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो किसान साथियों, मुख्य 2 रीजन होते हैं अनार के नहीं बढ़वार करने के। एक तो जो वातावरण है वो सही नहीं मिल पाता, इसके कारण जो है अनार का पौधा बढ़वार नहीं कर पाता। दूसरा जो रीजन है वो ये रहता है कि अनार में पोषक तत्वों की कमी है, या पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में है पर जो है अनार का पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसके कारण भी जो है अनार का पौधा है वो कम बढ़वार कर पाता है। तो आप लोगों को करना क्या है किसान साथियों, सबसे पहले आपको जमीन में अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजर जरूर प्रयोग करना है। मैं जो भी माइक्रोराइजर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो उसमें अच्छी माइक्रोराइजर का जरूर जो शब्द है उसका प्रयोग करता हूँ। उसका रीजन ये रहता है कि किसान साथियों, अभी जो फ्रॉड है एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है, और इंसेक्टी पेस्टिसाइड की जो कंपनियां हैं वो लगभग 7000 कंपनियां मार्केट में अभी जो है पेस्टिसाइड की काम कर रही हैं, और कंपनियां करती क्या हैं कि उनका फोकस जो है सबसे ज़्यादा माइक्रोराइजर पे रहता है। और कोई भी किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए आप और उनको बस इतना बोलना है कि मेरा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले आपको माइक्रोराइजर निकाल के देगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। जो छोटी कंपनियाँ आती हैं वो माइक्रोराइजर के नाम पर जो है किसान साथियों को ह्यूमिक और अमीनो एसिड दे देते हैं, जबकि उसमें माइक्रोराइजा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी रिजल्ट आता है वो ह्यूमिक और अमीनो एसिड का आता है, और मैं एक वीडियो प्रयास करूंगा एक माइक्रोराइजा पर बनाने की, पूरी माइक्रोराइजा का प्रोसेस बताने की कि किस प्रकार का माइक्रोराइजा आपको यूज करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है। तो किसान साथियों, आपको जो भी MNC कंपनी के माइक्रोराइजा आते हैं उनका प्रयोग करें। जैसे मैं कुछ कंपनियों के नाम लूँ तो KMX आता है अपने कृषि रसायन का, और JU का KMX आता है, FMC का न्यूट्रोमैक्स आता है, ये और भी कंपनी है जो MNC बड़े लेवल पे काम करती हैं, तो उनमें उम्मीद रहती है कि फ्रॉड जो है कम से कम हो, क्योंकि बड़ी कंपनियां ऐसे काम नहीं करती हैं, जबकि छोटी कंपनियां जो हैं वो माइक्रोराइजा के नाम पे जो आपको ह्यूमिक और अमीनो एसिड दे देती हैं, जिसका ह्यूमिक अमीनो एसिड लगभग 50-60 रुपये किलो मिल जाता है, जबकि माइक्रोराइजा 150 से 200 रुपये है, तो इसलिए वो किसान को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ अच्छी कंपनी के माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है। इसकी डोज की बात करें तो डोज लमसम आपको 10 से 12 ग्राम ही रखनी है प्रति प्लांट। इससे होता क्या है, जब भी आप माइक्रोराइजा जमीन में डालते हैं तो भी जो भी पोषक तत्व हैं जमीन में पड़े हुए वो सभी पोषक तत्व जो हैं पौधे को मिल जाते हैं। अगर पोषक तत्व नहीं है तो वो पोषक तत्वों का अवशोषण का काम करता है माइक्रोराइजा, और जो भी प्लांट की नई रूट आती हैं, वाइट रूट आती हैं, उनको बढ़ाने का काम भी जो है साथ ही माइक्रोराइजा ही करता है। तो आपको अच्छी कंपनी के माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है, और माइक्रोराइजा के प्रयोग करने के लमसम 10 से 12 दिन बाद आपको क्या करना है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज्यादा मात्रा हो वो NPK लेना है। अभी पोटास की जरूरत नहीं है, प्लांट को अपनी ग्रोथ करवानी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पोषक तत्व है तो भी अपना काम चल जाएगा। जैसे 12:61 आता है, ये काफी अच्छा जो है NPK है अभी स्टार्टिंग में छोटे प्लांट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो प्लांट की पत्तियां और जो स्टेम है जो उसको जो बढ़वाने का काम जो है नाइट्रोजन करता है। तो आपको इसकी स्प्रे करनी है एक बार, तो और उसके 10 दिन बाद जो है आपको ये जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको जमीन में नीचे ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इससे किसान साथियों बेनिफिट ये होगा कि जो भी एक प्लांट जो अपना पीला पड़ रहा है वो एक उसका तो पीलापन कम होगा, सेकेंडरी प्लांट की ग्रोथ है वो भी अच्छे प्रकार से हो पाएगी। तो पहला ही बार चलाने के बाद जो है 12:61 उसके 10 से 12 दिन बाद आपको फिर से चलाना है, और उसके बाद आपको किसान साथियों करना क्या है, जो एक FMC कंपनी का पिक्सल नाम से प्रोडक्ट आता है उसको आपको ड्रिप में चलाना है। पिक्सल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने एक इसकी वीडियो बनाई हुई है और इसके बारे में और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पिक्सल एक ऑर्गेनिक उत्पाद है किसान साथियों, इसमें 22% ऑर्गेनिक एसिड आता है,
जो कि पूर्णतः ऑर्गेनिक है, और जब भी आप प्लांट में चलाते हैं तो इसकी जो रूट है उसको बढ़ाने का काम है पिक्सल करता है। तो आप पिक्सल का प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट जो है किसान साथियों देखने को मिलेंगे। और जो भी किसान साथी के छोटे प्लांट हैं तो उनमें आप अगर कोई थ्रिप्स वगैरह की समस्या है तो आप हल्के स्प्रे ही उसमें निकालें, किसी हार्ड टेक्निकल का प्रयोग उसमें ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ जो है किसान साथियों रुक जाती है। तो उम्मीद है किसान साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।